नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के ओडिशा के कुरवाई में कांग्रेसियों ने किया काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के कारण विरोध में कांग्रेसियों ने नगर के बस स्टैंड से बिना तिराहा तक काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया है कि जब से देश में और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तब से महंगाई लगातार बढ़ रही है और डीजल पेट्रोल की महंगाई की मार आम जनता और किसान पर पड़ रही है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह दांगी ने नगर पालिका अध्यक्ष हसरुद्दीन खान, मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस के महामंत्री रायनी अहिरवार, शहर अध्यक्ष साबिर अली सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। बिना तिराहे पर पहुंचकर राष्ट्रपति के नामे ज्ञापन नायब तहसीलदार अनामिका सराफ को सौंपा। कुरवाई संवाददाता मजाज मोहम्मद की रिपोर्ट। आज हमारी कांग्रेस सरकार को षड्यंत्र पूर्वक गिराकर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसका आज 100वां दिन है और इस 100वें दिन को काले दिवस के रूप में संपूर्ण मध्य प्रदेश में मनाया गया है। इसी तारतम्य में आज ब्लॉक एवं शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा जहां इस सरकार का विरोध करते हुए काले दिवस के रूप में मनाते हुए अनुविभागीय अधिकारी को महामहिम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन पत्र सौंपा है और इस निकम्मी और भ्रष्ट सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई है।